न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक। कोरोना संक्रमण से निजात दिलाने की और लोक कल्याण की कामना। प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के तहत जिलाधिकारी ने जारी किया संशोधित गाइडलाइन। कहा, गाइडलाइन का करे पालन, नहीं तो होगी कार्यवाही। 80 दिनों बाद आम श्रद्धालुओं के लिए खुला गोरखनाथ मंदिर का कपाट। पहले दिन मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने किया पूजा अर्चना। बाद में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा पूरा ध्यान। कोरोना की वर्तमान वैश्विक महामारी के दौर में काफी बढ़ जाती है महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थाओं की जिम्मेदारियां। शिक्षा परिषद के प्रबंधक एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, संस्था अध्यक्ष अनेक नवाचारों का करे प्रयोग। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री 2:47 पर गोरखपुर से हुए रवाना। जनपद में सोमवार को नए मिले 11 कोरोना संक्रमित मरीज। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 3 दिन में 3 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। अब जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या हुई 146, एक्टिव केस की संख्या हुई 87, डिस्चार्ज हुए 51, जबकि अब तक 8 की हो चुकी है मौत। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सीजी ने कहा कि अनलॉक 1 में जारी गाइडलाइन 30 जून तक रहेगा प्रभावी। गाइडलाइन और रोस्टर के उल्लंघन करने वालों पर कोविड-19 नियमों के तहत की जाएगी कार्यवाही। रंग कर्मियों के लिए रामगढ़ताल स्थित बन रहे हैं अत्याधुनिक प्रेक्षागृह और मुक्ताकाशी मंच का सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने किया निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, समय से कराएं निर्माण कार्य पूरा। अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई संभावित बाढ़ से राहत और बचाव की तैयारी बैठक। कहा, समय से पहले कर ले बाढ़ से निपटने की तैयारी। बंधों का भी सर्वे कर उसका कर ले मरम्मत। कोविड-19 के नोडल अधिकारी के नेतृत्व में फूड सेफ्टी अधिकारियों ने 100 बेडेड टीवी हॉस्पिटल में संचालित कम्युनिटी किचन का किया निरीक्षण। कमियों को तत्काल दूर करने के दिए निर्देश। लॉकडाउन के बाद 8 जून से खुले गोरखनाथ मंदिर में सांसद रवि किशन ने दर्शन कर की पूजा अर्चना। कहा, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं गोरखनाथ बाबा। गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने दिए मास्क और फेस शील्ड। कहा, कोरोना से संक्रमण को रोकने में होगा मददगार। जिला अस्पताल में इलाज करा रहे सर्जरी के मरीजों के लिए राहत भरी खबर। संचालित हुई ओटी। मरीजों के लिए होने वाली सर्जरी में कोरोना जांच नहीं बनेगी रुकावट। शासन ने कोरोना टेस्ट के लिए स्थापित कराई ट्रूनेट मशीन। और कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए दवा विक्रेता समिति ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया 401,000 की सहायता राशि। कहा, कोरोना पीड़ितों के इलाज में होगा कारगर।